धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे सही। मैंने सुनील जी धानिका जी जो पार्षद है वार्ड नंबर 54 के, उनके नकली सिग्नेचर लगाए थे फॉर्म पे और जैसे भी बनाया था, और ये मेरी गलती है। अगर आगे से जब मेरा कुछ होता है तो मुझ पर FIR की जाए और मुझ पर केस कर दिया जाए। कौन सा सर्टिफिकेट बनाया था तुम्हें? डेथ सर्टिफिकेट सर। और भी कोई आगे भविष्य में कोई फर्जी सी निकली तो? अगर भविष्य में कोई फर्जी सी दिखती है सुनील जी की, अगर किसी पार्षद की, तो मुझ पर केस कर दिया जाए। जिम्मेदारी कितने बना दिए आज तक तुमने? तो सबके से ऑर्डर से बात होता है। नहीं, इनके इनके सील से अब तक कितने बनवा दिए? इनसे तो लकी शर्मा जान दो, उनसे उनके थ्रू लगवा था आपसे सील। लकी शर्मा जो इनके ना बता, उनके थ्रू आपसे सील करवा था हमेशा। अजमेर नगर निगम के पार्षद सुनील धानका के फर्जी सील साइन तैयार कर ई मित्र संचालक ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बना दिया। फर्जी सील व साइन लगाने की जानकारी पार्षद को तब लगी जब बीमा क्लेम की पुष्टि के लिए बीमा कंपनी के पार्षद से संपर्क किया गया। पार्षद ने दस्तावेज जांच से पता चला कि मृत्यु प्रमाण पत्र पर लगी सील व साइन उनके नहीं है। जांचने के लिए निगम की ऑनलाइन साइट पर देखा तो फर्जी सील लगे दस्तावेज अपलोड से उन्होंने आयुक्त को शिकायत देकर इसे निरस्त करने के लिए कहा गया है। वही पार्षद इस मामले में आज अलवर गेट थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। पार्षद सुनील धानका ने बताया कि उनके पास बीमा कंपनी से रफीक खान नाम से फोन आया। रफीक ने कहा कि आम का तालाब में रहने वाले राज गुर्जर पुत्र देव नारायण गुर्जर की मृत्यु प्रमाण पत्र पर आपने सील व साइन किए हैं क्या? मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए शपथ पत्र रवि सेन पुत्र रामस्वरूप सेन शक्तिनगर आम का तालाब किरानीपुरा में रहने वाले युवक ने पेश किया है। हेमराज की मृत्यु 20 मार्च को हुई जबकि प्रमाण पत्र के लिए मई में आवेदन किया गया। सुनील ने कहा कि बिना दस्तावेज देखे वह कैसे बता सकते हैं कि खान ने पार्षद के मृत्यु प्रमाण पत्र व्हाट्सएप किया। जिसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये साइन व सील उनके नहीं है। सील व साइन का दुरुपयोग होने की जानकारी लगते ही सुनील ने ऑनलाइन रिकॉर्ड देखा तो उसमें नंबर ई मित्र संचालक अंचल शर्मा का लिखा हुआ था, जिसने पूछताछ में कबूला कि फर्जी सील व साइन से ये प्रमाण पत्र बनाया गया है। पार्षद सुनील धानका ने कहा कि इस मामले में अलवर गेट थाने में शिकायत देंगे। ई मित्र संचालक अंचल शर्मा का एक वीडियो सामने भी आया है जिसमें अंचल शर्मा ने कहा कि उसने वार्ड नंबर 54 पार्षद सुनील धानका का नकली सील व साइन फॉर्म पर लगाए थे और डेथ सर्टिफिकेट बनाया था। ये उसकी गलती है, अगर आगे ऐसा कुछ होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। एमित संचालक ने यह भी कहा कि लकी शर्मा नाम के व्यक्ति के जरिए यह वह करवाता था। वीडियो में ई मित्र संचालक आखिर में माफी मांगता नजर आ रहा है। जैसा कि कल मुझे एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो क्लेम का करते हैं, वो रफीक खान जी नाम है उनका, उन्होंने मुझे कल दिन में 2:30 बजे फ़ोन करके इत्तला दी थी कि एक कोई मृत्यु प्रमाण पत्र बना हुआ है, उसके फॉर्म पे मेरी सील साइन लगे हुए, वो वेरिफिकेशन कर रहे थे मुझसे, पूछताछ मतलब कर रहे थे कन्फर्म। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं फॉर्म देख के ही बता पाऊँगा, तो उन्होंने ऑलरेडी नगर निगम से वो फॉर्म निकला रखा था। तो उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया, व्हाट्सएप पर मैंने देखा तो पहले मुझे देखते के साथ ही साइन मेरे बिल्कुल फर्जी लगे, क्योंकि जिस तरीके से जो साइन किए गए थे वैसे मैं किसी भी कागज़ में साइन नहीं करता हूँ। तो मैंने तुरंत उनको उसी टाइम पे बता दिया कि ये सील वो साइन फर्जी है, लेकिन फिर भी उनको मैंने कहा कि मैं एक बार निगम जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप भी हम भी हमारे एक टीम का आदमी आया हुआ है अजमेर, उसको आपके पास भेज रहे हैं। निगम जाके मैंने ओरिजिनल फॉर्म निकलाया तो उसमें सील भी फर्जी थी, क्योंकि मेरी सील जो है जो चोरी है, और वो सील बिल्कुल छोटी सी थी और उसका कलर भी चेंज था। इन्होंने क्या एडिटिंग करके मेरी सील को किसी फॉर्म में से एडिट करके इस फॉर्म में लगाया है एडिटिंग करके, तो वो टोटली मतलब एक तरह से फर्जीवाड़ा लग रहा था। और दूसरी बात, वो फॉर्म जब मैंने देखा तो उसमें हेमराज गुर्जर की डेथ हुई थी जो मार्च में हुई थी, इन्होंने मई में ये डेथ सर्टिफिकेट बनाया जिसके अंदर एक महीने के बाद में अगर बनाते तो शपथ पत्र लगाना पड़ता है। तो इन्होंने वो शपथ पत्र बनाया जिसमें रवि सेन नाम के व्यक्ति ने शपथ पत्र लगाया, जबकि वो मरने वाला गुर्जर था और रवि सेन ने लगाया, और रवि सेन ने अपने आप को शपथ पत्र में चाचा का लड़का बताया। तो सेन समाज और गुर्जर कुछ मेरे को और ज़्यादा अंदेशा हुआ कि ये गलत है, तो मैंने तुरंत वो उनको निगम में भी इतला दी। आयुक्त साहब, ये कोई अचल शर्मा ई मित्र वाला है जो गुलाबबाड़ी में इसकी शॉप है, और जैसे कि जैसे 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 दिन बीता तो इसके और मामले खुलते रहे लगातार। मेरे पास अभी तक फ़ोन आ रहे, कोई किसी पे पैसे का मामला है, किसी पे कोई मामला है, और इसी के अंडर में और भी ई मित्र चल रहे हैं,
उन्होंने भी ऐसी हो रखा है, ये फर्जी सीले लगाते हैं। इनके बैग जब देखा था तो बैग के अंदर भी खाली फॉर्मों में अधिकारियों की सीले भी लगी हुई थी, पार्षदों की सीले लगी हुई थी खाली फॉर्मों में। तो उसके आज हम अलवरगढ़ थाना पे रिपोर्ट दर्ज कराने आए, क्योंकि उन्होंने जैसा कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र पे मेरे को किसी के द्वारा पता चला तो वो फर्जी निकला। क्या पता इन्होंने और भी किसी कागजों में मेरी सील साइन लगा रखे हो, मेरे नहीं लगा रखे हो तो मेरे साथी के किसी के लगा रखे हो। इसलिए अलवरगढ़ थाना पे इत्तला देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आज मैं रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ।